दोस्तों मैं भी टॉस कोहली यूट्यूब पे लेके आया हूँ टेनिस के रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस। जो इस बार वीडियो लेके आया हूँ एटीपी रैंकिंग नंबर 7 वर्सेस एटीपी रैंकिंग नंबर 155 कार्लोस अल्कराज, जो न्यू सेंसेशन मानी जा रही है जनरेशन में, की शानदार प्रदर्शन करेगी। उसके खिलाफ मैच था सरफ का, अच्छे प्लेयर है वो भी, जर्मनी शानदार प्रदर्शन करते हैं। पिछली बार उन्होंने ग्रैंड स्लैम में इन्हें ही हराया था और इस बार ग्रैंड स्लैम में कार्लोस ने हरा के बराबर कर लिया। ये नहीं कि कार्लोस ने आसानी से हरा लिया, शानदार प्रदर्शन किया सरफ ने भी। काफ़ी बड़ा लंबा मैच लिया बट बाजी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो फिफ्थ सेट था उसमें बाजी मारी कार्लोस अल्कराज ने और वो नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले एक बार फिर से यही बता देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर जाके नोटिफिकेशन बटन क्लिक कर लो ताकि सारे के सारे दोस्तों आपको अपडेट्स मिल सके। आप बढ़ते हैं वीडियो के पोस्ट मैच एनालिसिस के फर्स्ट सेट की ओर। फर्स्ट सेट की ओर बढ़े तो शानदार प्रदर्शन रहा कार्लोस अल्कराज का भी, सरफ का भी। शुरू में प्रदर्शन थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहा बट धीरे धीरे सरफ थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने लग पड़े, क्योंकि उन्होंने जैसे ही 1-1 सर्विस गेम हुआ तब तक तो बराबर था। उसके बाद सर्विस गेम ब्रेक कर ली, कार्लोस अल्कराज ने अपनी सर्विस डे पे होल्ड रखा, इसी तरह चलता रहा सिलसिला और 6-4 से पहला सेट जीता कार्लोस अल्कराज के खिलाफ। शानदार प्रदर्शन किया सरफ ने। अब सेकंड सेट में बढ़े तो सेकंड सेट में कोई भी किसी की सर्विस आसानी से ब्रेक नहीं कर पाया। 1-1, 2-2, 3-3, 4-5, 5-8 ऐसे ऐसे चलता रहा। उसके बाद कार्लोस अल्कराज ने सही समय पर सर्विस ब्रेक की, अपनी सर्विस डे पे होल्ड रखा और 7-5 से सेकंड सेट जीता, शानदार प्रदर्शन किया। अब मैच हो गया फिर से बराबर क्योंकि 1-1 हो गया था। उसके बाद फिर से शानदार प्रदर्शन किया सरफ ने, इस बार उन्होंने फिर से सर्विस ब्रेक की, 1-1 सर्विस गेम थी। उसके बाद सर्विस उन्होंने गेम ब्रेक की, कार्लोस अल्कराज की अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखते रहे वो। इस बार भी जैसा पहला सेट हुआ था 6-4 से जीता था, वैसे ही थर्ड सेट जीते 6-4 से। अब फोर्थ सेट की ओर बढ़े तो फोर्थ सेट में शानदार प्रदर्शन रहा दोनों ही खिलाड़ियों का, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अल्कराज का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा। पहले तो 1-1 गेम, 2-2 गेम, 3-3 गेम, 4-4 गेम, अब लग रहा था अब टूटी बट नहीं टूटी किसी की सर्विस गेम। 5-5 गेम, 6-6 गेम, अरे ये सेट जीत जाते तो सिर्फ सीधे फिर नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते, ये वाला मैच जीत जाते, बट टाई ब्रेकर में तो शानदार प्रदर्शन किया कार्लोस अल्कराज ने, बहुत ही कम पॉइंट्स लेने दिए और 7-4 से जीता टाई ब्रेकर। और उसके बाद जब फिफ्थ सेट गया तो फिफ्थ सेट भी शानदार प्रदर्शन हुआ कार्लोस अल्कराज के नजरिए से खेला। शुरू में तो कोई किसी की सर्विस ब्रेक नहीं कर पाया, 1-1 गेम, 2-2 गेम, 3-3 गेम, 4-4 गेम। उसके बाद कार्लोस अल्कराज ने सर्विस ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 6-4 से फिफ्थ सेट जीता, मैच जीता, क्योंकि अब वो 3 सेट जीत चुके थे और सिर्फ सरफ जो है वो 2 सेट जीते। सरफ जीते थे पहला और तीसरा सेट, कार्लोस अल्कराज जीते दूसरा, चौथा, 5-1 सेट डाउन होने के बाद भी, और बाद में तभी भी अच्छा प्रदर्शन किया। पहले शुरू में 1 सेट डाउन थे, उसके बाद फिर से 1 सेट डाउन थे क्योंकि 1 ही सेट जीते और वो 2 सेट जीते थे। 3-2 से जीता फ्रेंच ओपन 2021 में, वो सरफ से हारे थे। अब उनका बदला भी लिया, वो चाहेंगे कि नेक्स्ट राउंड में अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि कार्लोस अल्कराज ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। देखा जाए 4 घंटे 11 मिनट टाइम स्पेंड किया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होता, तो वाले अगली बार चाहेंगे कि नेक्स्ट मैच थोड़ा जल्दी खत्म करे और अच्छे से अपनी बॉडी को रिलैक्स दे। दोस्तों आपको क्या लगता है? दोस्तों अगर स्टैट्स को नजर डालें तो स्टैट्स में अच्छा प्रदर्शन रहा दोनों खिलाड़ियों ने, काफ़ी एसीज आए हैं। 23 एसीज सरफ ने लिए और दूसरी ओर कार्लोस अल्कराज ने 31 एसीज लिए। डबल फॉल में दोनों ने ठीक ठीक किए बट मेन आता है ब्रेक पॉइंट्स की ओर। ब्रेक पॉइंट्स दोनों के ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हुए, 2-2 बार ही ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्ट हो पाए। 8 पॉइंट्स सरफ ने जो ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्ट किया था कार्लोस अल्कराज फर्स्ट सेट में किया था, और थर्ड सेट में किया था कार्लोस अल्कराज ने जो ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट किया था वो सेकंड सेट में किया था और फिफ्थ सेट में किया था। तो 12 आउट ऑफ 14, 12 बार ब्रेक पॉइंट सेव किया था और 2 बार ब्रेक पॉइंट सेव करने में कामयाब नहीं हुए थे सरफ। दूसरी ओर 6 आउट ऑफ 8, 6 बार ब्रेक पॉइंट सेव किया था और 2 बार ब्रेक पॉइंट सेव करने में नहीं हुए थे, तो दोनों बार 2-2 ब्रेक पॉइंट दोनों कन्वर्ट हुए। और दोनों प्लेयर अच्छे प्लेयर खेले हैं, सरफ ने अच्छा प्रदर्शन किया बट वो चाहेंगे कि नेक्स्ट मैच जब आईओपी विंबल्डन में खेलते हैं नेक्स्ट ईयर तो वो अच्छा प्रदर्शन रखे और कोशिश करें कि वो दूर से दूर नेक्स्ट वीक तक कोशिश करें पहले जाने के लिए, पहले तो राउंड 3 तक सोचें, उसके बाद अच्छा प्लेयर है क्योंकि वो चाहेंगे कि बढ़िया प्रदर्शन करना। और कार्लोस अल्कराज तो और ज़्यादा चाहेंगे कि वो ऐसे ही अपनी फॉर्म बरकरार रखे और बट नेक्स्ट मैच थोड़ा जल्दी जीते ताकि अपनी बॉडी को रिलैक्स मिले और सेकेंड वीक में अच्छा प्रदर्शन ज़्यादा कर पाए। दोस्तों अपनी राय देखिए आपको क्या लगता है कि क्या होगा, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ढेर सारा प्यार देते रहो। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।